नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ काम कर चुके लोगों ने अपने अनुभव बताए हैं। सुशांत की आखिरी फिल्म थी छिछोरे, जो दर्शकों ने बिग स्क्रीन पर देखी। इस फिल्म में सुशांत के साथ श्रद्धा कपूर थी उनके ऑपोजिट। अब श्रद्धा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सुशांत के लिए एक भावुक बात कही है। एक्चुअली कई बातें कही हैं उन्होंने, पोस्ट डाला है। सुशांत को याद करते हुए उनके साथ सेट पर बिताए समय और अपने अनुभवों के बारे में श्रद्धा ने काफ़ी बातें लिखी हैं। इसके साथ श्रद्धा ने दो तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें से एक में फिल्म छिछोरे के सेट पर ली गई एक फ़ोटो है, वो फ़ोटो फ्रेम में है, और एक पेंटिंग दिख रही है पीछे। इसी पेंटिंग की सुशांत ने कवर फ़ोटो लगाई थी। दूसरी तस्वीर में श्रद्धा को गिफ्ट की गई एक किताब दिख रही है, जिसमें सुशांत का सिग्नेचर है और एक मैसेज है, तारीख भी लिखी है। सुशांत को याद करते हुए श्रद्धा ने लिखा कि जो हुआ उसे स्वीकार करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। एक बड़ा खालीपन आ गया है सुशांत। वो हर जगह हर चीज़ में खूबसूरती ढूंढ लेता था, वो अपनी ही धुन पर नाचता था। मैं हमेशा सेट पर उससे मिलने का इंतज़ार करती थी, और इसका भी कि आज कौन सी मज़ेदार बात हम करने वाले हैं। एक को एक्टर होने के अलावा, जो कि अपने काम में जी जान लगा देता था, सुशांत एक बेहतरीन शख्स था। उसके घर एक खूबसूरत से संगीत और कविताओं से भरे गेट टुगेदर में उसने मुझे अपने टेलीस्कोप से चांद दिखाया था, और मैं हतप्रभ रह गई थी चांद को इतने करीब से उसकी खूबसूरती देखकर। और उस एहसास को सबके साथ वो बांटना चाहता था। हमारी छिछोरे गैंग उसके घर गई थी। सुशांत की अपकमिंग फिल्म दिल बेचारा 8 मई को रिलीज़ होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण उसकी रिलीज़ डेट आगे कर दी गई है, और अब पता चल रहा है कि वो सीधा OTT पर रिलीज़ होगी। कब रिलीज़ होगी, कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, सब आपको ललन टॉप बता देगा। आप हमारे साथ रहें, और इस वीडियो के बारे में, श्रद्धा के पोस्ट के बारे में, सुशांत के बारे में कोई बात कहनी है तो आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।